आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब भी कभी मुंह के अंदर कोई भी ऐसा कैंसर है जो कि आखिरी स्टेज में है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये आखिरी स्टेज का कैंसर है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, क्या इसके रिकरेंस रेट जो हैं, मतलब इसका जो फ्यूचर है वो सही है या नहीं है, क्या ये कैंसर होने के बाद सिर्फ इंसान की मौत ही हो सकती है, जो लोग ऐसा मानते हैं उन लोगों को ये वीडियो जो है वो पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर ज्योति पांडे। देखिए, जब भी कभी मुंह के अंदर कोई भी कैंसर के लक्षण दिखते हैं तो वो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय तक टोबैको खाया है, गुटखा, सुपारी ऐसी चीज़ों का सेवन किए हैं, या आपके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प थे जिसकी वजह से चिक बाइटिंग हुआ करती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे छाले बनते थे और वो छाले जो है वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे थे और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी वाली लाइफ स्टाइल की वजह से भी ओरल कैंसर होते हैं, या बहुत ही रेयर चांसेस हैं बट ऐसे होते हैं कि आपने अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा और जेनेटिकली आपके जो हैं वो सारे लोगों में ये ओरल कैंसर के लक्षण आते रहते हैं, वैसे ही आपके अंदर भी आए हैं। रीज़न था, बहुत लंबे समय तक आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया और वो ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ओरल कैंसर के लिए। इसी वजह से अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी प्रोस्थेसिस अगर आप लगाते हैं जो कि रिमूवल पार्शियल होता है, जिसको कि आप निकाल सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं खाने खाते समय, जैसे कि कंप्लीट डेंचर होता है, रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है, कैपिंग ब्रिजेस होते हैं, इस टाइप की कोई भी आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस अगर आप अपने मुंह में लगाते हैं और उसमें कोई भी शार्पनेस आती है या फिर फिटिंग अगर अच्छे से नहीं होती है उनकी, तो आपको तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से बात करनी चाहिए और उसकी फ़िटिंग को सही करानी चाहिए, क्योंकि इल फिटिंग जो डेंचर्स होते हैं, जो कैपिंग ब्रिजेस होते हैं, उसकी वजह से भी मुंह में अल्सरेशन बनता है और ये अल्सरेशन जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग मुख्य टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं कि फोर्थ स्टेज के कैंसर में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। बहुत ही ऐसे पेशेंट होते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन की कमी होती है, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेजेस ऐसी नहीं होती हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि उन्हें डॉक्टर से डर लगता है, इस वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जहाँ पे तंबाकू वगैरह को दबाते हैं वो जगह पूरी तरीके से फट जाती है, और वो जब डॉक्टर के पास आते हैं, जब कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती हैं, तो उनका वो वाला पार्ट जो होता है वो पूरा लटक सा जाता है, वो उसे टॉवेल से लपेट के लाते हैं या फिर किसी भी चीज़ से उसको सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे लोगों के मुँह में कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे भी अंदर की तरफ जहाँ पे कैंसर्स ग्रोथ हुआ रहता है वहाँ पे पूरी अल्सरेशन ज़्यादा हो जाती है, उन पे वहाँ से गाल की तरफ से पूरे छेद बन जाते हैं, जो छेद आपको बाहर चीक की तरफ से भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग के स्टेज फोर के कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे से जो हैं वो पिल्लू जैसे दिखने लगेंगे, आपको वाइट वाइट कलर के जो हैं वो कीड़े दिखाई देने लगेंगे, उनके मुंह से बहुत ज़्यादा अजीब सा गंध फैलने लगेगा, कुछ दूर का एरिया जहाँ पे भी वो रहेंगे उसके कुछ दूर का एरिया जो होता है वो पूरा स्मेली स्मेली सा फील होने लगता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो स्टेज फोर के होते हैं। कुछ लोगों के जो होते हैं थ्रोट के कैंसर, वो इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है, उनके जो आवाज़ होते हैं उसमें अचानक से बदलाव आने लगते हैं, जब भी वो अपने लार को निगलने की कोशिश करते हैं तो भी वो निगलने नहीं पाते हैं, उनको सांस लेने में इतना ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है कि उनको अचानक से जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो उनको पाइप डाला जाता है जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग जो है वो अच्छे से कर सके। कुछ लोगों के फेरिंग्स में जो है उसमें कैंसर्स होते हैं, तो भी यही लक्षण होता है कि अचानक से जो है वो पूरा फूल गोभी जैसे जो संरचना है वो बाहर से दिखाई देने लगती है, सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइप की हो जाती है, उनके खाने पीने को लेकर के बात करने को लेकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उनके कान में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होते रहता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो स्टेज फोर को दिखाती है। स्टेज फोर कैंसर को भी तीन ग्रेड में रखा जाता है, जैसे 4A है, B है, C है, ये कंडीशन है।
कोई भी ये सोच करके कि क्रिटिकल केसेस है, स्टेज 4 के केसेस हैं तो इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। जो कैंसरस कंडीशन होती है वो बिल्कुल क्यूरेबल होती है, इवन स्टेज 4 के केसेस में भी क्यूरेबल होती है, बट आपको जो है वो आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत है, और इस कंडीशन में आपकी जो है वो सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है। बट बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि सर्जरी हुई, कुछ दिनों के बाद जो है उनकी डेथ हो गई, मतलब ये स्टेज 4 जो है उसकी सर्जरी जो है वो करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये एक मिथ है। होता क्या है कि आपके जो कंडीशंस होती हैं वो उस स्टेज पे, उस जगह पे तो कैंसर के पार्ट्स को कट करके हटा दिया जाता है, बट आपकी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड होती हैं, और ये जो कैंसर सेल्स होती हैं वो एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में ऐसे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है बॉडी में और जगहों पे कैंसर होने का भी डर होता है, खतरा होता है। कभी भी आपके जीभ के ऊपर अगर कोई भी छोटे से मार्क्स अगर आपको दिखे, कोई भी अल्सर्स दिखे, तो कभी भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे से अल्सर जो होते हैं वो नॉन हीलिंग अल्सर वो काफ़ी डेंजरस कंडीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आपके मुंह में कोई छोटे अल्सर हैं, वो पेनलेस हैं, उसमें दर्द नहीं है, और उनकी कंडीशंस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, या और जगहों पे भी ऐसी कुछ है, और आपको हैबिट है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, ऐसी कोई लत है, तो आप तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से है, कहीं ये कैंसर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस आती है तो आपके डेंटिस्ट आपको तुरंत ही बायोप्सी करने की सलाह देते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि ये कंडीशन जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन है या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन है। तो कोई लोग भी जब ये बोलते हैं कि स्टेज 4 के कैंसर्स जो हैं उसके रिकरेंस चांसेस नहीं हैं, तो ये गलत है। ये अगर आपके बॉडी में कहीं भी फैले नहीं हैं तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, ये दोनों थेरेपी पहले देते हैं। अगर आपको ये दोनों थेरेपी लेने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आधी से अधिक जो लड़ाई थी जो कैंसर के प्रति, वो आपकी बॉडी पहले ही सर्वाइव कर चुकी है उसके प्रति। फिर जो है उस पार्ट्स को कट करके हटा दिया जाता है, और इसके बाद आपकी लाइफ जो है, को जितनी लाइफ जीनी थी उतनी लाइफ आप जी के जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हर चीज़ों की एक जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि आपको पहले ही पता है कि रेडिएशन थेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कीमो के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर कैंसर हुई है तो थोड़ी सी बॉडी को जो है वो इन सारी चीज़ों से झेलनी पड़ती है, बट इम्यूनिटी का जो है अगर आप ख्याल रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये देखा जाता है कि 50 प्लस वाले जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, या अब तो कह सकते हैं कि जो 45 से ऊपर वाले जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, कोई डायबिटिक हैं, या फिर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, तो ऐसे लोगों में इस टाइप के जो स्टेज 4 होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में आ जाती हैं। अदरवाइज बाकी सारे पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो सर्वाइव भी कर लेते हैं, क्योंकि ओरल डायग्नोसिस जो होती है आपके मुंह की वो अच्छे से हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। आपका मुंह ही है जो आपको अच्छे से देख सकते हैं, बाकी आपके बॉडी पार्ट्स में, बॉडी के बाकी ऑर्गेन में अगर कोई भी कैंसर होता है तो वो स्टेज 4 जो है वो आता है, तब उसके सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को फील होता है, बट आपके मुंह में सारे स्टेजेस जो हैं वो आप खुद से देख सकते हैं। तो इसके लिए कभी भी लेट मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिलिए अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो। बाकी आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे नए नए वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, जो अपनी ओरल डायग्नोसिस को बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, डेंटिस्ट से मिलना पसंद नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा हैबिट्स में रहते हैं। तो ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।